हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मोनिका की रसोई। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चीज़ मसाला पूरी, जो कि क्योंकि इसमें चीज़ है तो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े बोल में लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा, और अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड पोटैटो, जिन्हें मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, और 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़े से चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच ऑर्गेनो। इससे ऑर्गेनो से इसका टेस्ट बहुत अलग निकल कर आएगा। कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया, इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें ऐड किया है 3 से 4 चम्मच देसी घी, या आप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसे पानी की हेल्प से एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चीज़ क्यूब ग्रेट करके, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अलग निकल कर आएगा। क्योंकि इसमें चीज़ डला है तो बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आटा डो हमारा लग चुका है, और अब मैं इसे रेस्ट होने के लिए 5 से 7 मिनट ढककर रख दूँगी। उधर जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा है, तब तक मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, उधर हमारा डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा लोई लेकर और इसकी पूरी बना लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसकी पूड़ियाँ तल लेंगे। देखिए, इन पूड़ियों के साथ में हमें किसी भी सब्जी की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही इतनी ज़्यादा टेस्टी हैं कि इन्हें आप चिली सॉस या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में बड़े ही आराम से रख सकते हैं। पूड़ियाँ हमारी तैयार हैं, क्योंकि इसमें चीज़ का टेस्ट है वो इसको एक अलग ही टेस्ट देगा।